यार हमारा इतना ज्यादा मूड ऑफ हो चुका है ना, अभी हमारे पास होटल से फोन आया है कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाले अपने व्लॉग में बताया था कि हमें एक अच्छा सा बेहतरीन सा प्लान ट्रिप करना है जो कि हमारा अयोध्या का होने वाला है, क्योंकि निकलने में हमें इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी बन चुके हैं 2:13, 12 बजे का टाइम था निकलने का और 8 बजे हमारा टाइम है सबसे पहले आगरा पहुंचने का। पहले हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, पेट्रोल फुल करवाते हैं। शिवा ढाबा आ गया, इधर भी शिवा ढाबा देखो रहा। तो फाइनली हम रुके हैं शिवा ढाबा पर और वो रहा वहाँ पर शिवा ढाबा। हमने वैसे भी सुबह से कुछ लिया भी है नहीं, ना पानी लिया हमने, बस घर से ऐसे निकल के आ गए थे। 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है यहाँ से, है ना, 100 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है। अब कुछ खाते हैं, अराउंड हमारा किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से 150 या 180 किलोमीटर के आसपास हमारा रह गया यहाँ से, वो हम कवर कर लेंगे वो भी 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर एक्सप्रेस वे एकदम मक्खन चुम्मा हाईवे। ये शिवा ढाबा से एक गर्म पानी की बोतल ली है, इतनी भीड़ उसने एक ही स्पॉट पे सब कुछ किया हुआ है, पकोड़े वकोड़े सब कुछ। ये हमारा ये ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा दिल्ली से 100 किलोमीटर के आसपास, तो 100 किलोमीटर के बाद आप इस पे रुक सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, है ना, मत रुकना पर मत रुकना एग्जैक्टली। लेकिन इस पे तो नॉट गुड, अरे भीड़ ठीक ठाक है, थाईलैंड में नहीं है, नॉट गुड, फिर भी पहले सॉरी बोल सॉरी। हमारे पास होटल से फोन आया है कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, उनके पास सारे के सारे रूम सोल्ड आउट हो चुके हैं। इवन मेरी सुबह उन लोगों से बात भी हुई थी कि अगर आपको कुछ अमाउंट पे करना है तो मैं आपको पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अमाउंट पे मत करो, सर डायरेक्ट आ जाओ अगर आप निकल चुके हो तो, और हम निकल चुके थे। ये बात है सरोवर पोर्टिको होटल की आगरा में जो है, उनका जस्ट अभी कॉल आया, आप ये टाइम दिखाओ कितना हो रहा है इसके अंदर। 6:30 बजे फोन आया इनका और हम पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में, ये देखो 1 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं और अब हमें कह रहे हैं कि कोई बुकिंग नहीं है लोगों के पास। मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका है, अब समझ नहीं आ रहा हमें कौन सी बुकिंग करनी है, कहाँ होटल ढूंढना है, यार बड़ी दिक्कत हो गई। तो भाई हमने आगरा में जो हमारा जो सीन हुआ है अभी जो हमारा होटल कैंसिल हुआ उसके बाद हमने होटल किया है, द होटल रिट्रीट। अच्छा लग रहा है, शानदार है होटल, सही लग रहा है, अच्छा है, है ना? ताजमहल कितनी दूर होगा, पास में ही है, पास है, बिल्कुल पास है, नियर रही है। अच्छा रूम वूम कैसा देंगे, बहुत अच्छा, सही में लग रहा है, आ रही है। मुझे पता है थक भी चुके हैं यार, गाड़ी बहुत चली है। दिल्ली में तो ऐसा सीन हो चुका था कि गाड़ी दिल्ली से निकली कहाँ रही थी, बहुत टाइम लगा हमें दिल्ली में, वही टाइम लगा है आपको देखिए। So far, so good. मिला है यहाँ पे 206 और रूम क्या था सरोवर पोर्टिको उनका। मेरे पास जो है जैसे बताया कि मेरा कॉल आया जब मैं गाड़ी से पहुँचने वाला था 1 घंटे पहले ही, उसके बाद में जैसे जैसे कर अपना ड्रोन उड़ाते टाइम मैंने एक होटल बुक करा यहाँ पर रिट्रीट, यस द रिट्रीट। ये है ताजमहल से सिर्फ 5-10 मिनट दूरी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी अच्छी है और रूम भी काफ़ी अच्छा लगा भाई मेरे को तो। सॉल्ट कैफे और यहाँ से वो 5-10 मिनट की दूर है, 1 किलोमीटर है, मोटा माटी गाड़ी निकालेंगे आराम से, वहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करके आएंगे, अच्छा भोजन खाकर आएंगे। कैसे लग रहा है वो थकान वकान, बहुत ज्यादा थकान है, बहुत ज्यादा थकान है। कल कितने नकली हो सच में, हमने ब्लॉग के लिए कुछ भी सही लग रहे हैं मेरे बाल यार, इसमें दिक्कत वाली बात लग नहीं रही मुझे वैसे। दिखाएंगे मस्त मस्त बेटे, 3 सीखे हमने पर कुछ सीखने वाला था नहीं, पर लेकिन मस्त एक नंबर का है ना, मस्त। अब सच में जाके मिलता हूँ आपसे मैं सॉल्ट कैफे में, बाय बाय।
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कैफे बहुत अच्छा होने वाला है और हमने सबसे खराब खराब से कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल नीचे खराब लग रहा है। अकेली सी एक टायर कैसे कर रखा है? टायर उसमें चढ़ा हुआ है। अकेली होती गाड़ी खड़ी हमारी वजह से ठंड लग रही है। कंफर्टेबल तो फाइनली अपने होटल में वापस अब हम आ चुके हैं और अब हमारा हो गया सोने का टाइम। हालांकि प्रिया का सोने का टाइम हो चुका है पर मेरे पास अभी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। वो क्या है कि मेरे को अभी अपना व्लॉग पूरा एडिट करना है। पासवर्ड क्या होता है अपना वाईफाई का? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक पासवर्ड है। फटाफट से बढ़िया स्पीड आ जाए तो रात को लगा करके छोड़ दूंगा अपलोडिंग पर और सुबह इसको हम अपलोड कर देंगे। सुबह उठते देख लेना। अगर आपने बोले मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा शेयर दोनों कर देना ना, क्या दिक्कत है? मुझे तो आती नहीं व्लॉगिंग। तो अब सीख जाओगे ना बाप। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक देख लिया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे यार दोस्तों में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई मीन टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।